हाँ ये स्थानिक प्रयोग के लिए यादव जी ने लिखा है ना। हाँ उन्होंने हाँ अपने बुक में ये इन्फॉर्म किया है कि गुजरात में ही है और व्यापारी के यहाँ पे ये सीपी चांद के नाम से मिलता है। नहीं तो हम तो गिरी सिंदूर मांगेंगे तो दो तीन चीजें हैं, वो दूसरी भी मिल सकती है, लेट सिंदूर ऑक्साइड भी आपको मिल जाए, क्योंकि व्यापारी है उसको तो कुछ बेचना है, ये तो वास्तव में लेना है तो मार्केट से कहाँ से लें। तब उन्होंने लिखा साहब केमिकल शॉप से लेना, जो केमिकल रिएजेंट्स वगैरह सप्लाई करते हैं वो मंगवा के दे देंगे, ई मार्क वगैरह का आएगा, ये आप ध्यान रखिए, है ना। रिएजेंट जो है वो अच्छे कंपनी का लेना चाहिए मानक, ओके ओके और सर इंटरनल यूज में तो आएगा नहीं, एक्सटर्नल यूज के लिए है, क्योंकि यस प्रायः सर इंटरनल यूज में हम लोग केमिकल नहीं लेते हैं, जैसे स्टेनस सल्फाइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये तो कार्सिनोजेनिक और इस तरह से एडीआर बता रखे हैं, तो वो लोग तो वहां बैन कर रहे हैं, इवन कॉस्मेटिक में भी जहाँ हर्बल ये पाउडर वगैरह बनता है उसमें, और वो कंपनियां आपसे भस्म बनवा के और काम में ले रही है। तो कभी भी मॉडर्न का केमिकल जो है उसमें नहीं जाना, क्योंकि वो प्योरिटी के लेवल पे है, और हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें मिला के काम में ले। सर दूसरा था सिद्धा सिस्टम में आपने बताया कि उनका कंसेप्ट ये है कि सिर्फ मेटल मिनरल को कठिन है उसको सिर्फ मृदु फॉर्म में कन्वर्ट करना और उसको डायरेक्टली यूज हाँ, तो ये करना सिद्धा तो सिस्टम से वैद्यों ने सीखा रसचिकित्सा, और अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए ग्रंथ रचना करी, वो सारे संग्रह ग्रंथ आपके सामने उपलब्ध है। ओरिजिनल रस ग्रंथ कोई एक भी कंप्लीट मिलेगा नहीं आपको, इसलिए मैंने आचार्य नागार्जुन को संग्रहकार बोला है। 8वीं सदी से हाँ रसशास्त्र का विकास हुआ, ये जो बात हमने स्कूल में पढ़ी है उसको भूल जाएं और ओरिजिनल रस शास्त्र को ढूंढने का प्रयास करें। तो 3री सदी में अष्टांग हृदय संग्रह ने रस संहिता में रस शास्त्र को कैसे सम्मान मिला, उस बात को विचारें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि जो आधी अधूरी 4 अध्याय वाली बुक है उसके आधार पर हम उस ऑथर को पहला रसाचार्य बतावें, ये मुझे थोड़ा सा कम गले उतरता है। आप लोग मान्य करें, अच्छी बात है, मेरी हाँ समझ से बाहर है, क्योंकि वो जितने फॉर्मूले लिखते हैं वो उपलब्ध नहीं है, वो कहाँ से लाया। आज हम 2000 सालों में कुछ नए योग नहीं बना पाते, है ना, और केवल यस नाम बदल के छंद बदल के और योग इतने संख्या हो गई, इसको भी विचारें। सर आपने बताया कि अष्टांग हृदय में रस चिकित्सा को सबसे पहले मान्यता दी है वो थोड़ा एक ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा लेकिन उसके नहीं बारे नहीं में आप ज्यादा लंबा नहीं मार्गदर्शन हुआ, दे छोटा पाएंगे। सा है कि आप हाँ सम्राट अशोक से तो परिचित होंगे, उसका काल आपको पता है, और उसने हाँ विश्व विजय के लिए सारा प्रयास किया और अंत में उसको एक तरह से वैराग्य हो गया, या उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा हाँ के नाम पे औजार जब्त कर लिए, तो जो हाँ शल्य की खाती थी हमारी सुश्रुत संहिता की, वो धीरे धीरे यस हानि होने लगी। और जब ऐसा हुआ तो आयुर्वेद में वो चमत्कार वाली स्थिति नहीं रही, तब उन्होंने रसशास्त्र को अजमाया। जैसे आज आप लोग मॉडर्न साइंस को, मेडिकल साइंस को एडोप्ट करना चाहते हैं, तो एडोप्ट करने में मना नहीं है, रसशास्त्र पूरा आपने समाहित किया आयुर्वेद में, उसी तरह से आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी और उस सब को प्रयोग कर सकते हैं, केवल है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपने सिद्धांतों पर वो खरा उतरे, उस बात को आप आत्मसात करेंगे। WHO वाले भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले भी आपकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं आयुर्वेद यूनानी सिद्धा या ट्रेडिशनल मेडिसिन की, कि कोई चीज हम पीछे छोड़ तो नहीं दिए, उनको भी आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए शास्त्रीय क्रम में जहाँ चिकित्सा का नाम आएगा, भारतवर्ष में राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद होना चाहिए, और जहाँ शैव परंपरा है तो चिकित्सा पद्धति का नाम रस विद्या या रस शास्त्र होगा, जहाँ जैन परंपरा है तो वहां पे प्राणवाय नाम से ये प्रक्रिया होगी। तो जितने छोटे छोटे देश हैं उनमें सब में ट्रेडिशनल पद्धति है और उसका एक नाम है, तो अष्टांग प्रविभाग या जो कुछ है वो उन सब में मिलेगा। आप रस ग्रंथों को भी, क्योंकि हमें उपलब्ध नहीं है ओरिजिनल, और हम मध्यकाल के संग्रह ग्रंथ देखते हैं, चाहे रस रत्नाकर हो या जो भी एक आप नाम लोगे, और मौलिक ग्रंथ पूरे मिलते नहीं है, इवन रसार्णव है तो वो रसार्णव पूरा नहीं है ना, एक रस संहिता मात्र है, तो जितने द्रव्य हैं सबकी संहिता होगी। तो थोड़ा सा एक कल्पना करें कि सब खंडहर में से, ध्वंसावशेष में से हम कुछ निकाल रहे हैं, रस मंडप का कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझे और अच्छे इंजीनियर से बात करें तो आपको क्लियर पता लगेगा कि ये वर्गीकरण जो है इसको हम लोग ऐसे खेल में रॉ मटेरियल स्टोर नहीं बनाते हैं फार्मेसी को,
और उसको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरह रिएजेंट रखना चाहिए, रेडी टू यूज, उसके बाद भारत के संस्कार करना चाहिए। ये मेरी समझ है। हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि जो पठन पाठन का सरकारी तरीका है उसमें बियर मिनिमम स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, और सिलेबस से बाहर जाने पे ना नंबर मिलते हैं और पनिशमेंट भी मिलता है जिसने पेपर सेट कर दिया। तो रस विद्या का तो काफी विस्तृत आकार है, और गजानंद न्याय से हम थोड़ा सा समझ के ये समझें कि हम सर्वज्ञ हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो वो एक अलग बात है। और कोई सर, अष्टांग हृदय और चरक संहिता में जो अयस्कृति का कंसेप्ट दिया है, तो कुछ लोग या तो हमारी समझ में हमको जो पढ़ा गया है उसमें ऐसा बोलते हैं कि ये कच्ची भस्म होती है, बराबर तरीके से उसकी भस्म नहीं होती। कोई भी धातु है वो पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, शायद अष्टांग हृदय में। ये हमारे साथ आप जो कह रहे हो सही है, बात है, किंतु क्या है कि हम लोग शास्त्र को केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, शास्त्र को समझते नहीं है। और जो ऑथर है उसको प्रमोशन के लिए टेक्स्ट बुक लिखना है, कुछ लिखता है वो, तो वो लिखते हैं तो आप लोग पढ़ते हो, अच्छी बात है, किंतु उसमें एरर है वो पकड़ना आपको आना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि सब वो अच्छा स्कॉलर है, तो ये स्थिति है। अयस्कृति जो है वो ढंग से करेंगे तो जो भस्म बनेगी उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। कच्चा पक्का कुछ नहीं होता, निरग्नि लोह भस्म भी बनती है तो दूसरे भी ऐसी प्रक्रिया है। तो क्योंकि मेटल है कठिन होते हैं, आघात वर्धनी होते हैं, और उसको हमको माइक्रोनाइज करना है, ये पहला उद्देश्य है। कंपाउंड बनाना ग्रंथों का उद्देश्य नहीं है, ये केमिस्ट्री का नॉलेज अब बढ़ा 500 सालों में। पहले तो हम लोग जो बनाते थे वो होलिस्टिक अप्रोच में प्रक्रिया करते थे, और उन्होंने जो स्टैंडर्ड दिए वो ऐसे दिए हैं कि वहाँ कंपाउंड का कोई लेना देना नहीं है, और एकदम साइंटिफिक है कि भस्म की चार परीक्षा है, आप उसको देख लो तो सब दंताग्रह किचित्व नहीं होना, तो ये मेरिट आपको कहाँ मिलेगी रस योगों में, है ना। तो भस्म की तो बात ही छोड़ो, रस योगों के लिए कह रहा हूँ मैं, तो जो भी उठा के खाओगे गोली उसमें किचकिच होगा। तो सब जो हीरक भस्म आप देखते हो वैसा रेखा पूर्ण भस्म सभी का बनना चाहिए, तब तो वो अयस्कृति से होता है। और उसमें उन्होंने लिखा सुसूक्ष्मम, तो कैसा हो पराकण सदृश हो, कैसा हो वारितर हो, कैसा हो yes, कैसा वाटर सोल्यूबल नहीं हो, कैसा हो सब पीएच उसका न्यूट्रल हो, ताकि वो इरिटेशन नहीं करे, जीवन पे स्वाद नहीं आवे, और आंखों में निक्षिप्त होने पे आंखों में कॉर्निया सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, वहां इरिटेट नहीं हो। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये मॉरल के आधार पे है, इसका कोई आप मशीन नहीं बना सकते, और मशीन बनाते हैं तो वो स्टैंडर्ड आपको अलग अलग में अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो अयस्कृति का मेथड है वही सडलो के लिए है, केवल गोल्ड के लिए नहीं या केवल आयरन के लिए नहीं। और हम उसको आयरन के लिए मान करके जब आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा समझ या ज्ञान अधूरा है। तो स्वर्णाधीन मार्य देवम लोह भस्म बनाते समय भी उन्होंने लिख दिया, फिर हम स्वर्ण भस्म के लिए अलग मेथड रिकमेंड कर रहे हैं, कभी हमने ट्रायल किया नहीं, डाटा हमारे पास नहीं, और हमने एपीआई में एपीसी में उसमें जिगे दे दिया। तो ये अनुभूत परंपरा से जो आ रहा है उसको हमने आपके सामने रखा है, वो फाइनल नहीं है, आप अपने ढंग से करिए, और जो भस्म परीक्षा के उसमें पास होता है उसको लीजिए। एक और मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी जो क्वेरी है उसमें हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं सब सुश्रुत में आके अयस्कृति के तीन भेद हो गए, आसव अयस्कृति वो अष्टांग हृदय में संग्रह में मिलेगी, सुश्रुत से लिया, ऐसा नहीं है। यस सर, है ना, उसको आप ध्यान से पढ़िए चरक संहिता को, उसी में मिलेगा, और वो दृढ़ बल संपूरित नहीं है, मौलिक है, और पांडु चिकित्सा में उन्होंने वहां पे त्रिपलारिष्ट लिखा है, उसमें पकवलोह डाला है, तो वो आसव अयस्कृति का उदाहरण है, इसलिए यादव जी ने लोहा सब को रसामृत में लिखा। तो हम पढ़ते समय शास्त्र को ऑथर किस उद्देश्य से कह रहा है, टीकाकार क्या लिख देता है, विद्वान लोग इतिहास के ज्ञान के आधार पर क्या लिख देते हैं, तो सर्वज्ञ तो कोई होता नहीं है, और हम उस एरर को अगर पकड़ते हैं तो हम आपको स्कॉलर मानेंगे, और बाकी तो ठीक है, प्रैक्टिशनर तो सभी होते हैं, पैसा कमाना जीवन यापन करना वो एक अलग चीज है। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा, आपने अगर जो होस्ट है उन्होंने मीटिंग का रिकॉर्डिंग किया है, अगर वो मिल पाए तो हमारा सौभाग्य रहेगा मैडम। नहीं वो तो सब ये डालेंगे शायद उसमें YouTube में मिलेगा आपको, मैं तो ये समझता हूँ सर। यूट्यूब वैद्य जिग्नेश सर, इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब लिंक टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे सर, जैसे ही अवेलेबल होगा।
रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल फॉर दिस सेशन, बोथ द सेशंस विल बी अवेलेबल. हाँ, मैं आपको पर्सनल में मैसेज कर दूंगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप उसमें लिंक भेज पाए तो. श्योर सर, श्योर. और कोई क्वेरी हो? एनी अदर पार्टिसिपेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट फॉरवर्ड प्लीज. I think that will be all. Thank you, Vaidya Jignesh Rajani. आपकी queries ने हमारा discussion को बहुत successful बना दिया. So thank you so much for your active participation. And I request all other participants also to actively participate, because Dwivedi sir ऐसे हमारे रस आचार्य हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है. और हम इस platform के द्वारा शास्त्र में है, बुक्स में सब मिलेगा. हाँ जी सर, पर सर आप ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने सब अध्ययन किया है, वो उसको आत्मसात किया है, और वो एनसाइक्लोपीडिया मैं कहूंगी सर. तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके जो अनुभव हैं इतने वर्षों के चिकित्सा के और मैन्युफैक्चरिंग के, उनको हम साझा कर पा रहे हैं सर सबके साथ. तो दैट इज अ ब्लेसिंग सर हम सब के लिए. और सबसे अनुरोध करूंगी कि वो इस परायण सीरीज में, क्योंकि सर जब हम तंत्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसका एक अलग फीडबैक हमको मिलता है. वो आप गलतियां पकड़ने की बात करते हैं, तो मैं और मीनाक्षी बीच में बात कर रहे थे, जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो गलती समझ में आती है कि हाँ यहाँ पर गलती हो सकती है. किसी और ग्रंथ में पढ़ते हैं या उसमें पढ़ते हैं, तो वो उच्चारण के साथ वो सर समझ में आता है. इसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि बार बार पठन मुक्तिदायक है. मतलब एक ही ग्रंथ को, आपका जो भी ग्रंथ हो उसको बार बार पढ़िए. और अगर बाई हार्ट करते हैं तो हनुमान चालीसा का भजन करने के बजाय आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलेगा. थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड वी विल कीप यू इन द लूप. और हम चाहेंगे कि सर अगर सप्ताह में एक बार या दो सप्ताह में भी एक बार अगर आपका हमको समय मिल पाए तो हम इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे सर. बिल्कुल, क्योंकि सर शास्त्र अध्येता बहुत कम मिलते हैं सर. ज्ञान, दूसरा ज्ञान बहुत मिल जाता है, लेकिन शास्त्र अध्ययन जिसने किया हो ऐसा वक्ता मिलना थोड़ा दूभर लगता है सर. और कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता. किसी को ये बताएं कि रस रस समूचे कि किसी अध्याय का आपको सार गर्भित करना है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहता सर उस चीज में. नहीं, वो शांत सुखाए पढ़ते हैं लोग बाग, और मजबूरी में पढ़ते हैं. बिल्कुल, ये मानता हूँ मैं. हम लोग भी स्टूडेंट है ना, तो पढ़ना चाहिए. नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर सभी इंटरेस्ट लेते हैं, सभी चाहते हैं कि उसको एक्सप्लोर करें, पर जहाँ बात टेक्स्ट की आती है तो वहाँ सब थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट तो बाय हार्ट होना चाहिए. जी सर, टेक्स्ट तो बाय हार्ट होना चाहिए. कोई भी एक ग्रंथ हो आपका गुरु परंपरा से, उसको आपको कंठस्थ करना चाहिए, तो बड़ी सुविधा हो जाती है उस सब्जेक्ट को पकड़ने. सर इसीलिए हमें हमेशा जब भी ऐसा कुछ स्टार्ट होता है कि टेक्स्ट से रिलेटेड, तो हमें सबसे पहले लगता है कि अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो फिर हम इसको डेफिनेटली क्रॉस कर लेंगे. तो सर आपसे हमेशा हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद हमें इस रूप में जरूर दें जब भी आपके पास समय हो. क्योंकि सर बेशक पार्टिसिपेंट्स कम हो या ज्यादा हो, पर एटलीस्ट जितने यहाँ पर है वो सब ज्ञान के बिल्कुल अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि ज्ञान अर्जन करना. तो सर इसीलिए आपसे हमेशा भी आपका स्वागत है. कभी भी आप बात कर सकते हैं, सारे जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या टीचर हैं जी मेरे से पूछ सकते हैं. जो मैंने पढ़ा जैसा समझा वैसा मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ. और उसके लिए कोई ये मीटिंग या ये बाइंडिंग नहीं है, आप कभी भी बात करिए, है ना. नहीं होगा तो देख के बता देंगे. इतना सा. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद. गुरु गुरु आशीर्वाद से. और मैं कहूंगी हमने श्रावण मास में पुनः परायण शुरू किया, तो ये भोलेनाथ की कृपा, शिव की, रुद्र की कृपा कहूंगी कि ये कार्यक्रम शुरू हो पाया. बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी का कि उसने ये जो बीज है उसको पोषण दिया और अब ये प्रस्फुटित अवस्था में चल रहा है सर. हम उम्मीद करेंगे कि विल कंटिन्यू. पारायण और भी कोई ग्रुप में चल रहा है, उसको भी जरा देखिए सर. एक और चल रहा है, पारुल यूनिवर्सिटी का चल रहा है. हाँ, सर वो तो थोड़ा सा मेरा एक समझ है, रस रत्न समुच्चय का जो चैप्टर आप पढ़ते हो, आपके जो अटेंडी हैं मीटिंग में, वो हर एक कमेंट्री अपने पास रखें तो एरर जल्दी पकड़ में आएगा. क्योंकि एक आदमी सारी कमेंट्री अपने पास खरीद भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता. जी सर. तो उन्होंने जैसे हिंदी अनुवाद का डिस्कशन किया, वैसे आपके सारे स्टूडेंट अगर पोस्ट ग्रेजुएट के हैं और वो अटेंड करते हैं तो सबके हाथ में अलग अलग कमेंट्री होनी चाहिए, तो आपको नया कुछ मिलेगा. अकेला कुलकर्णी टीका पढ़ने से रसन समुच्चय का निस्तारण नहीं होता है.
पहले वाला जो है उसको भी पढ़िए, कुछ एरर आपको इन्फॉर्म हो जाएंगे, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास में वो श्लोक की व्याख्या संस्कृत में क्या है, हिंदी अनुवाद में क्या है, इंग्लिश में क्या है, वो आपका ग्रुप ऐसा बने, ये मेरी काम है। कितना हो पता है ये एक अलग। जी सर हम पूरी कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की। एक डॉक्टर प्रशांत सूद कुछ कहना चाहते हैं शायद। प्रणाम सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे नवसादर की जो डोज आपने बताई है, जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, हम उसको लगातार कितने दिन तक यूज कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर? जैसे कुछ फॉर्मुलेशन हैं जिसमें नवसादर और कलमिश हो रहा है और साथ में कुछ हर्बल मेडिसिन है, कॉम्बिनेशन को आप प्रैक्टिस करते हैं? जी सर, हम यूज करते हैं एक फॉर्मुलेशन। नहीं, आप टीचर हैं या? सर मैं सर टीचर भी हूं और साथ में प्रवीण मैम से हम कुछ मेडिसिन बना के यूज करते हैं प्रैक्टिस। हाँ, तो सर मेरा एक सबमिशन है आपसे कि जो एपीसी है उसको देखो, और कितने दिन, तो चित्रिका दिवटी आप कितने दिन प्रयोग कर लेते हो उसमें नौसादर डालते हो? मतलब हां जी सर, मतलब हम तो जैसे एक और फॉर्मुलेशन है उसमें यूज करते हैं नवसादर, उसमें एक डोज में एक से डेढ़ रत्ती जाता है नवसादर, और एक से डेढ़ रत्ती कलमिश हो रहा होता है उसमें सर। हां जी, तो श्वेत पर्पटी आप कितने दिन दे दोगे उसको? ध्यान रख लो, कलमिश हो रहा का एडीआर आपको पढ़ लेना चाहिए कि किन अवस्थाओं में वो गर्भाशय भ्रंश करता है, उसको ध्यान रख लो, मात्रा का ध्यान रख लो। ठीक है, दूसरा ये जो फॉर्मुलेशन है उसमें जो विड लवण है उसकी जगह नौसादर डालना शुरू कर दिया सरकार ने, उसके बाद में कंपनियां क्या कर रही है, तो मेरे से क्यों पूछना चाहते हो ये समझो। सर एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि जैसे जो फॉर्मुलेशन है, जैसे पेशेंट के जब दोष सामान्य हो जाते हैं तब तक तो हम दे सकते हैं, पर कई बार पेशेंट बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे और लेना है, एक लिवर के लिए एक सप्लीमेंट है वो हम बनाते हैं इसका। भाई अरुचि नहीं हो वो ध्यान रखो, और डोज बदल बदल के आप दे सकते हो, और कल्पक्रम में जो 45 दिन का मंडल संख्या होती है ना 48 दिन की, वहां तक के लिए मैं हाँ करता हूँ, बाद में ब्रेक कर देना, या जहाँ जिस दिन अपाय हो अजीर्ण हो उस दिन मात्रा कम करके कम कर देना। ये इतना फिर आपको इशारा करूँ, रसेन चिंतामणि का वो 8वें चैप्टर का जो एक है ना प्रयोगाध्याय, उसके पहले 4 श्लोक ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आप मेरे से ये प्रश्न नहीं करो। ठीक है ना, अभ्यस्त नहीं बनाना, साथ में हो जाए ऐसा नहीं करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और कोई जिज्ञासा हो तो? सर और अभी कोई नहीं है क्वेश्चन, अगर कोई आता है तो सर हम उसे टेलीग्राम में डालकर आपसे लेंगे। और साथ ही कश्यप सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सर हमेशा ही मुझे सर को नमस्ते करनी है, यही हमारी एक जिज्ञासा है, और सर का आशीर्वाद बना रहे, और ये जो भाषण है इनका हम हमेशा सुनते रहे, हम आप लोगों के भी बहुत आभारी हैं कि द्विवेदी जी से बीच बीच में संपर्क हो रहा है, मेरा तो दूसरा मौका है द्विवेदी जी से द्विवेदी जी के सुनने का। सर बहुत बहुत प्रणाम सर, आप बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहे, जैसा ये बच्चे कह रहे हैं इनको बस आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हमारी भी यही इच्छा है सर, और बड़ा अच्छा लगा आपसे आपको सुनकर आपको देखकर, बहुत बढ़िया सर, स्वागत जी, धन्यवाद, ठीक है सर, थैंक यू सर, नमस्कार। सो विद दिस वी कैन सर अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स टू हैव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम सर्स नॉलेज, एक्सट्रीम वास्ट नॉलेज, लाइक एज डॉक्टर प्रवीण कोटेड, ही इज अ ओशन ऑफ नॉलेज, अ मूविंग एनसाइक्लोपीडिया, A legendary icon। ऐसा नहीं है मैडम, नहीं सर, हमारे लिए तो सर हमारे लिए तो अगर हमने कोई रोल मॉडल आइडियल देखा है शास्त्र में तो वो लाइब्रेरी में मेरे से ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखिए सर, समस्या ये है लाइब्रेरी में भी ग्रंथ अवेलेबल नहीं है सर, वो तो आप ले सकते हैं आप कभी भी जहाँ भी है, बड़े इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना, जब भी आपसे जब भी हमें कुछ पूछना होता है बस एक कॉल अवे है आप सर, हमेशा एक मिनट के क्वेश्चन में आप इतना इलैबोरेट करके आधा घंटे से ज्यादा समझाते हैं उस चीज को, तो इससे ज्यादा तो सर कहीं एक्सपोजर नहीं मिल सकता। आज आपने आधा घंटे का जो रखा ना उसमें लिमिटेड में मुझे जितना बोलना था नहीं बोल पाया, क्षमा करिए सर, हम इसको डिटेल में इलैबोरेट आगे से लंबा किया करेंगे।
चलो इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी पार्टिसिपेंट्स का कि आप सभी अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर करके संडे को निकले हमारे लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम हमेशा सर आपसे लाभान्वित होते रहेंगे। हैव अ ब्लेस्ड जर्नी सर, हमेशा हम अपना साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू, 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 थैंक यू।